जी कहिए। एक्चुअली मैं कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। मौसम भी बहुत ख़राब है और बारिश भी बहुत हो रही है। जब तक मौसम सही होता है क्या मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ? जी बिल्कुल, आइए अंदर आइए। थैंक्स। अरे आप तो पूरी तरह भीग चुकी हैं, ऐसा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ कपड़े ले आता हूं। ये लीजिए कपड़े, आप चेंज कर लीजिए, बाथरूम उधर है और मैं आपके लिए चाय लेके आता हूं। इसे तो फर्क पड़ नहीं रहा यार, अब इसकी जान बचाने के लिए बस एक ही तरीका है। वो रात मेरे कपड़े, हाँ वो मैंने चेंज किया था। वो क्या है कि भीगने की वजह से तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि अगर जिस्मानी गर्मी नहीं दी जाती तो कुछ भी हो सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी। ये क्या किया आपने? उस वक्त आपकी जान बचाने के लिए जो बेहतर लगा मैंने वही किया। पर वो सब जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उस बात का मुझे भी अफसोस है, लेकिन हमारे बीच में जो हुआ वो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। पर भगवान तो जानता है, शायद ये आपके लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सॉरी निशा, मेरी नीयत सिर्फ जान बचाने की थी। सॉरी की बात नहीं है, मैं तुम्हारी गलती नहीं बता रही हूँ। पर जो है चला गया। लक्की तो लक्की नाम है। हेलो हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। निशा कौन? अच्छा निशा, निशा हाँ निशा। अच्छा मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको?
आपकी डायरी से। कहिए क्या कहना है। उस रात के बाद मैं पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। देखिए उस दिन जो हुआ वो उसी दिन खत्म हो गया। अब आप मुझे परेशान मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपने दिल की बात बता रही हूँ। मुझे आपसे प्यार हो गया। पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्या खराबी है मुझ में? खराबी तुम में नहीं, खराबी मुझ में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे दो बच्चे भी हैं। आप मुझे परेशान मत कीजिए। हेलो हेलो, और निशा बेटे कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ये प्लांट के मजदूरों को तनख्वाह देनी है, चेक पर साइन कर दो। कितना अमाउंट भरना है चाचा जी? लगभग 80,000 और 50,000 बांटने हैं। मुझे हिसाब मत बताइए, मुझे बस इतना बताइए कितने का चेक भरना है। यूं ही समथिंग 2,00,000 रुपए। और बेटा आप तो बड़ी हो गई है, थोड़ा हिसाब किताब रखा कर। चाचा जी आपके होते हुए मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बता, आजकल तेरा फोन बिजी बहुत जाता है। चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बता, तेरा कन्यादान कौन करेगा? ऑफ कोर्स आप। तो हमारी बेटी किससे शादी कर रही है, कम से कम हमें तो पता होना चाहिए। पर चाचा जी वो राजी नहीं। राजी नहीं है तो ले ठाकुर वाली नीति अपना और जाकर पूछ उससे शादी करेगा या नहीं करेगा। चाचा जी मुझे उससे शादी करनी है, जंग थोड़ी लड़नी है। अरे तो मैं उसे कौन सा गोली मारने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ उसको जाकर के बता तू भी ठाकुर प्रताप सिंह का खून है और वैसे तो ये पिस्तौल खाली है। अच्छा तो खाली उसे डराना है। हाँ आइडिया तो अच्छा है। हाँ तो आपका काम कल देख लेंगे। हाँ ठीक ओके। अरे निशा ये क्या बचपना, निशा गोली चल जाएगी। निशा मुझसे शादी करोगे या नहीं? देखो निशा ये पिस्तौल मुझे दे दो। आज फैसला होकर ही रहेगा मुझसे शादी करोगे या नहीं। निशा देखो मेरी बात मानो,
आज फैसला होकर रहेगा। ये मौत है निशा, मौत। रिवाल्वर मुझे दे दो, गोली चल जाएगी। नहीं, छोड़ो मुझे, चलने दो। निशा, निशा, आज फैसला होकर रहेगा। निशा रिवाल्वर दो, निशा रिवाल्वर दो। शिट, निशा, 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 निशा। निशा, 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 इंस्पेक्टर त्रोबक्सी के इलाके में एक पॉकेट मार नहीं बचता और तू मर्डर करके भाग रहा है। गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब इस कमीने को, इसने मेरी भतीजी का खून किया है। अरे कमीने, वो तो सारी दौलत तेरे नाम करने वाली थी, फिर क्यों किया तूने खून उसका? हरपाल सिंह सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल सर, सर सर ये मुझे कहाँ ले आए सर? मैं जानता हूँ अपने देश के कानून को, मैं तुझे बंद कर दूंगा, केस अदालत में जाएगा और तू जमानत पर छूट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ एनकाउंटर करके सजाए मौत देता हूँ। सर, सर, सर आप मुझे मारकर एक मासूम के कत्ल का पाप अपने सर सर पे चढ़ाओगे सर? हट! आ, आ, एक मासूम का कत्ल करके मुझे पाप और पुण्य सिखा रहा? सर, सर मैं निशा को क्यों मारूंगा जब वो वैसे ही अपनी सारी दौलत मेरे नाम करने वाली थी? जब निशा को तूने नहीं मारा तो किसने मारा? सर, सर उसी ने जिसको निशा की सारी दौलत मेरे नाम होने पर एतराज होगा। मैं मुजरिम के लिए सख्त जरूर हूं, लेकिन मैंने किसी बेगुनाह को मारा नहीं। सजा जरूर मिलेगी, बेगुनाह को नहीं, कातिल को। आओ। चाचा तुम तो पुलिस को देखकर ऐसे डर गए जैसे कि तुमने कोई जुल्म किया हो। इंस्पेक्टर साहब, निशा के खून का क्या हुआ? दरअसल निशा का मर्डर लक्की ने नहीं किया। नहीं किया? तो फिर किसने किया? वही जो उन दोनों के अलावा वहां मौजूद था। वहां ऐसा कौन था जो पहले से मौजूद था? वही जो नहीं चाहता था कि निशा की दौलत का मालिक और कोई बने। तो बताओ ना किसने की थी? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को दी गई सूचना के निशा का 20 मिनट के बाद मर्डर हुआ सर। आई नो, दरअसल निशा पर चलने वाली गोली निशा की पिस्तौल से नहीं, इस पिस्तौल से हुई है जिस पर उंगली को फिंगरप्रिंट्स आपके हैं। बोलो क्यों किया ऐसा? ये क्या बात कर रहे हो तुम? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, निशा तो मेरी भतीजी थी। बोल क्यों किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। hey! बोल क्यों किया? मैंने नहीं किया सर। भाई मैं ऐसा कैसे करूंगा? बोल क्यों किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा सर, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, निशा तो मेरी भतीजी थी। तरुण बक्सी के रजिस्टर में गिरफ्तारी कम और एनकाउंटर ज्यादा, समझा? सर,
गोली मत मारना, बताता हूँ। दरअसल निशा की परवरिश मैंने इसलिए की थी ताकि वो शादी करके अपने घर चली जाए और सारी दौलत मेरे पास रह जाए। एक दिन निशा का पीछा करते हुए जब मैं लकी के ऑफिस पहुंचा, मैंने देखा निशा तो अपनी सारी दौलत लकी के नाम करने को तैयार हो गई और ये मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने उसी वक्त निशा को मारने का प्लान बनाया। फिर मैंने निशा को उकसाया, फिर मैंने उसे पिस्तौल लेकर लकी के ऑफिस भेज दिया। वहीं निशा और लकी की छीना झपटी में मैंने निशा को गोली मार दी और खुद ही मैंने पुलिस को फोन कर दिया ताकि निशा के कत्ल के जुर्म में लकी को सजा हो जाए और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। चाचा जी, तुमने फैसला करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। निशा ने पहले से ही आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्या? मगर तुमने अपने पैरों पर गाड़ी खुद मारी। मैंने बहुत गलत काम किया। सारी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। आराम के साथ जेल में रोइएगा अगर फांसी नहीं हुई तो। हरपाल सिंह। यस सर।